हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में सामान्य चिकित्सक पदाधिकारी का यहाँ पे कटअप जारी कर दी गई है। और यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 17/2021 जो आपका विज्ञापन संख्या है, लगभग महिलाओं का यहाँ पे सभी महिलाओं का चयन हो गया है। जनरल में यहाँ पे 37 गया है। तो इसके बाद बात कर ले, जो भी अदर कैटेगरी से महिलाएं जो बिलोंग करती हैं उन सभी को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। पीएच की बात करें तो पीएच का यहाँ पे जो कटअप है आप लोग देख पा रहे हो 32.598 और 33 यहाँ पे फ्रीडम फाइटर। अब हम लोग आते हैं मेन जो अनारक्षित जनरल यूआर और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 30 गया है और 37.08 है यहाँ पे जनरल का कटअप है। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो अनुसूचित जाति की बात करें तो 30.906 यानी कि मान ये यहाँ पे 31 के आसपास कटअप है। और 32.064 अनुसूचित जनजाति का अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 30.64 तो है, पिछड़ा वर्ग का 30 है और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का यहाँ पे 0 है। यानी कि जो भी महिलाएं हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है तो यहाँ पे 0 इसलिए है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे कटअप सबसे बिलो गया है अकॉर्डिंग टू, चूँकि यहाँ पे बैक टू जो यहाँ पे वैकेंसी आई हाल फिलहाल में 2020 में भी वैकेंसी आई थी, इस कारण से यहाँ पे कटअप थोड़ा डाउन गया है। यही रीजन है, अन्यथा अदर कोई रीजन है नहीं इसमें। और रही बात तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उन सभी का काउंसलिंग कल से कंडक्ट होगा यानी कि 1 जुलाई से, और नई लिस्ट भी यहाँ पे प्रकाशित की गई है, ज़रा उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है लिस्ट की, पीएच एंड फ्रीडम फाइटर यानी कि पीएच एंड एफएफ का यहाँ पे लिस्ट है देख पा रहे हो, और 17/2021 का है, सामान्य चिकित्सक पदाधिकारी का है। और इसमें क्या है कि आपका काउंसलिंग सेम जो पहले 9 तक था उसी दिन ही आपका काउंसलिंग होगा 9 जुलाई को। रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार आप लोग यहां पे अपना अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जिनका, आप लोग इसको मिला सकते हैं और आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने के लिए यहां पे बुलाया गया है। तो देखते रहें, जो भी अपडेट होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि जो आपका लिस्ट है काउंसलिंग में क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या आपको लेकर जाने होंगे तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इच्छुक हैं तो मैं आपको उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।